नवजोत जिहड़ा राबिया सिद्धू दी करांगे। जी हाँ, राबिया सिद्धू दा वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जदों तक नवजोत सिंह सिद्धू जाने कि उन्होंने पिता चोण नहीं जित लेंदे उदों तक वह विआह नहीं कराउणगे। नाल दी नाल उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी दे उपर भी निशाना लाउंदिआं कहा कि जेकर चरणजीत सिंह चन्नी दे बैंक खात्यां दी जांच होवे तां करोड़ां रुपए की बरामदगी होवेगी। कंपैरिजन की कैसे बात कर सकते हो एक ड्रग माफिया और एक ईमानदार बंदे के साथ? ये कंपैरिजन तो वर्ड आप फेंक ही दीजिए। पंजाब मॉडल, हाँ जी। और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये एक साल में या छह महीने में नहीं बना है, इसको तकरीबन 13 साल लग चुके हैं। और अगर ये लागू हो जाएगा तो जो मेन प्रॉब्लम है लोगों को जॉब्स की, वो तो एटलीस्ट खत्म होंगी। और आगे पीछे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंट तो होंगी। देखिए जी, एज अ डॉटर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बंदा अपनी पॉकेट से करोड़ों देता है पॉलिटिशियन होके, और जिसमें इतना करिश्मा है, तो चलो आज सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे, बिकॉज उनके नाम पे कोई दाग नहीं है। बाकी ना, मेरी बात सुनिए, बाकी किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर देख लीजिए, पैसों का दाग तो होगा ही होगा। एक ईमानदार बंदा जो मेरे पापा हैं, ना उनके ऊपर कोई पैसों का दाग है और ना आगे जाके होगा। हर्ट मत हो। गुरु बाबा जी परमात्मा उत्ते बैठा है, सारा कुछ देख रहे है परमात्मा। हाईकमांड तो हाईकमांड है, उन्होंने जो कर दिया दैट्स बिकॉज उनकी कहीं मजबूरियां रही होंगी या उनको एक्चुअली आई हैव नो से इन दिस बट गुड फॉर देम, दैट्स ऑल आई एम गोना से, है ना। लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता, और जो बेईमान बंदा होता है ना उसको रुकना ही पड़ता है।